कहानी में एक औरत अपने पपीतों और झील का पानी पिलाकर आदमी को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देती है। मूवी के स्टार्ट होते ही हमें एक कार को देखते हैं जो बहुत ही तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही थी। इस कार को मिलर चला रहा था और साथ में उसकी वाइफ नीना बैठी थी। पीछे वाली सीट पर मिलर का छोटा भाई और उसकी लवर सिल्वा बैठी हुई थी और साथ में नीना और मिलर का बेटा लुई बैठा हुआ था। ये लोग जंगल की तरफ जा रहे थे जहाँ पर इनका बड़ा भाई रहता था। इसके बाद ये लोग एक घर पर पहुँचते हैं जो हेनरी का था, जो मिलर और लेमन का बड़ा भाई था। मिलर हेनरी को बताता है डैड की मौत हो गई है और हम उनकी अस्थियां नदी के किनारे बने घर में रखने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि इनके डैड की लास्ट इच्छा थी कि उनकी अस्थियां उनकी पसंदीदा जगह पर रखी जाएं। कुछ टाइम के बाद तीनों भाई दो गाड़ियों से नदी के किनारे बने घर की तरफ जाने लगे। फिर वो एक घर पर पहुँच जाते हैं। ये घर इन तीनों के डैड का था। घर की खूबसूरती देखकर सभी हैरान थे। ये घर बहुत ही सुंदर था। घर में सामान रखने के बाद सभी आसपास घूमने के लिए निकल पड़ते हैं, जहां पर उन्हें एक जॉर्डन नाम का बंदा मिलता है जिसके साथ उसका बेटा भी था। दोनों लड़कियां बच्चों को लेकर दूसरी तरफ चली जाती हैं ताकि बच्चे खेल सकें। इसके बाद वो तीनों भाई जॉर्डन से बातें करते हैं और वो अपने बारे में बताते हैं। जॉर्डन उन्हें अपने घर चलने के लिए कहता है, लेकिन लेमन और घूमना चाहता था, इसलिए बाकी दोनों भाई जॉर्डन के साथ चले जाते हैं। जॉर्डन का घर भी बहुत खूबसूरत था। उसके घर में उसकी दो भतीजियाँ भी रहती थीं जो बहुत ही खूबसूरत थीं। कुछ टाइम के बाद ये लोग वहाँ से चले जाते हैं और रात को खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह मिलर घर की छत पर खड़ा होकर नदी में नहा रही लड़की को देख रहा था। बड़े बड़े आमों वाली इस लड़की का नाम रेचल था, जो जॉर्डन की बड़ी भतीजी थी। रेचल की खूबसूरती देखकर मिलर पागल होने लगा था, लेकिन वो रेचल के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता था। एक्चुअल में रेचल शहर में बच्चों की नैनी का काम करती थी। दिखने में वो बहुत ही सीधी सादी थी, लेकिन भरोसा जीतने के बाद वो बच्चों को चुरा कर दूसरे लोगों को देती थी और फिर एक नई फैमिली ढूंढने में लग जाती थी। रेचल की खूबसूरती देखकर मिलर उसके पास आ जाता है। रेचल की गुफा में भी आग लगी हुई थी और वो अपनी टांगें खोलकर मिलर को चाटने का मौका देती है। संभोग करने के बाद मिलर रेचल से पूछता है, तुम जंगल में कब से रह रही हो? रेचल उसे बताती है, मैं इसी जगह पर पड़ी हुई हूँ, कभी कभी काम करने के लिए शहर चली जाती हूँ। दूसरी तरफ लुई घर से अकेला निकलकर घूमने लगता है, लेकिन कोई उसे किडनैप कर लेता है। जब मिलर घर पर पहुँचता है तब वो लुई को ढूंढने लगता है, क्योंकि वो उसे कहीं पर नज़र नहीं आ रहा था। इसके बाद वो दोनों भाइयों के साथ मिलकर लुई को बाहर ढूंढने का फैसला करता है। नीना और सिल्वा सुबह ही जंगल में घूमने के लिए निकल गई थीं, इसलिए उन दोनों के आने से पहले मिलर लुई को ढूंढना चाहता था। तीनों भाई लुई को ढूंढते हुए एक पुरानी फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं। मिलर गलती से एक मशीन चला देता है और उसकी तेज़ आवाज़ सुनकर हेनरी अपने कानों पर हाथ रख लेता है, क्योंकि उसे तेज़ आवाज़ों से डर लगता था। इसी बीच उसे टेबल के नीचे कुछ दिखाई देता है। उस टेबल को हटाने के बाद हेनरी देखता है उसके नीचे एक तहखाना है। सबसे पहले हेनरी नीचे जाता है और वो इन दीवारों पर लिखा हुआ पढ़ने लगता है। तभी मिलर नीचे आता है और उन दोनों को लुई की टोपी मिल जाती है, लेकिन लुई कहीं पर नहीं मिलता। पूरी फैक्ट्री को देखने के बाद वो तीनों भाई फैक्ट्री से बाहर निकल आते हैं। इसके बाद वो तीनों अलग होकर ढूंढने का फैसला करते हैं। कुछ टाइम के बाद मिलर को एक छोटा सा कैबिन दिखाई देता है। वो उसके अंदर आकर देखता है तो वहाँ उसे एक फ्रेम दिखाई देता है। ये लुई का फ्रेम था जिसमें से उसकी फोटोज गायब थी। इसके बाद उसे स्टीव नाम का बंदा दिखाई देता है और वो उसे बंदूक की नोक पर लुई के बारे में पूछने लगता है। स्टीव उसे कहता है, मुझे लुई के बारे में कुछ नहीं पता और कई साल पहले मेरा बेटा भी गायब हो गया था जो मुझे आज तक नहीं मिला। इसके बाद वो रोने लगता है। दूसरी तरफ हेनरी भी लुई को ढूंढते हुए नदी के किनारे पहुंच जाता है। लुई को यहाँ के लोकल बंधुओं ने किडनैप किया था और वो उन्हीं के पास था। हेनरी लुई को ढूंढ रहा था, तभी उसके पास दो पुलिस वाले आते हैं और वो हेनरी को बताते हैं, हमें एक लड़का मिला है। हेनरी उससे पूछता है, वो लड़का कहाँ है? तभी एक बंदा पीछे से आकर हेनरी के सिर पर मारता है और हेनरी बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ मिलर भी लुई को ढूंढते हुए जॉर्डन के घर तक पहुँच जाता है। तभी रेचल उसे अपनी बेहोश करने वाली बंदूक से बेहोश कर देती है। अगले सीन में हम देखते हैं जब लेमन घर पर पहुंचता है तब नीना लेमन को गोली मार देती है और उसकी मौत हो जाती है। लेमन की मौत देखकर सिल्वा दुखी हो जाती है। तब रेचल और नीना उसे समझाती हैं लेमन का मरना जरूरी था। अगले दिन हम मिलर को एक जगह पर बांधा हुआ था और उसके सामने पूरी गैंग का बॉस बैठा हुआ था। मिलर पूछता है, मेरा बेटा कहाँ है? तब वो बंदा बताता है, हम अपने देवता को खुश करने के लिए हर साल उसके पास एक लड़के को भेजते हैं ताकि वो उसकी सेवा कर सके। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो यहाँ की पूरी जगह पानी से भर जाएगी। ये सभी लोग एक नंबर के सिरफिरे थे और अपने देवता को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकते थे। रेचल भी इन्हीं लोगों में से थी, इसलिए वो बच्चे को चुराकर इन लोगों को देती थी। अगले सीन में हम देखते हैं उनका बॉस एक रिवाज करने लगता है। उन्होंने लुई को एक जगह पर बांध दिया था। नीना और सिल्वा एक जगह लेटी हुई थी। उस रिवाज में रेचल भी शामिल थी। वो सभी लोग लुई को सांप से कटवाने वाले थे ताकि वो उनके देवता के पास जाकर उसकी सेवा कर सके। इसके बाद नीना और सिल्वा उठ भागकर रेचल के पास चली जाती हैं। मिलर ये सब देखकर हैरान था। रेचल मिलर को बताती है, ये मेरी बहनें हैं और हम ऐसे ही मिलकर लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। नीना ने जानबूझकर मिलर से शादी की थी ताकि वो जब माँ बने तो उसका बेटा देवता की सेवा कर सके। सिल्वा ने लेमन से शादी नहीं की थी क्योंकि वो उसे देवता के पास ऐसे ही भेजना चाहती थी। चारों बहनों की ज़िंदगी का एक ही मकसद था, किसी तरह देवता को खुश रखा जाए। नीना लुई के पास आकर कहती है, तुम एक अच्छे सफ़र के लिए जाने वाले हो। तभी रेचल उसके पास आकर उसे एक लिक्विड पिलाती है और उसे कहती है, अब तुम्हें देवता के पास जाना है और उनकी सेवा करना है। फिर स्टीव नाम का बंदा सांप लेकर उसे कटवाने के लिए आता है। ये देखकर मिलर का खून खौल जाता है। काफ़ी कोशिश करने के बाद भी वो उसे सांप से नहीं कटवा पाता। इसके बाद हेनरी उन्हें बताता है, मैंने घर की दीवारों पर पढ़ा था, इस रिवाज को सिर्फ घर का बंदा ही कर सकता है। इसलिए स्टीव हेनरी के हाथ खोलकर सांप उसे दे देता है। मौका देखकर हेनरी बंदूक छीन लेता है और लड़ाई करने लगता है। दूसरी तरफ मिलर के हाथ भी खुल जाते हैं और वो भी फाइट करने लगता है। वो चारों बहनें वहाँ से डरकर भाग जाती हैं। बॉस लुई को मारने वाला था लेकिन हेनरी उसके पास आ जाता है। फिर बॉस हेनरी पर गोली चला देता है लेकिन मरने से पहले वो बॉस को भी मार देता है। दोनों भाइयों ने मिलकर सभी लोगों को मार दिया था लेकिन रेचल और उसकी बहनें वहाँ से भागने में कामयाब हो गई थीं। अब मिलर और उसका बेटा ही बचे थे। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो